जी हाँ दोस्तों, 700 रुपये में आप नथुला पास बाबा मंदिर और चांगू लेक घूम सकते हैं, जो कि गैंगटोक से पिकअप होगा और फिर गैंगटोक में ही ड्रॉप होगा सेम डे। इस गाड़ी में हम जाने वाले हैं आज। मेरा लाइफ का फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है ये, हाईएस्ट 14,140 फीट। तो भाई ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, ये है चाइना का, ये भाई चाइना का है। तो भाई बाबा हरभजन सिंह का जो है बंकर जो है यहीं पे है, और ये इनका रियल जो बंकर है यहीं पे रहता था। उनका देखो सारा यहाँ पे जो ड्रेस है वहाँ पे सजाया हुआ है। सिक्किम में मैं पहली बार आया और पहली बार ही मेरे को भाई ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई। छांगू लेक के नाम से फेमस है, छांगू लेक इसका नाम है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरा गैंगटोक में है तीसरा दिन भाई, और आज मैं जा रहा हूँ नथुला पास बाबा मंदिर और छांगू लेक। ये तीनों चीज़ आप भाई एक ही रेट में एक ही पैसे से घूम सकते हो भाई, और एक ही दिन में घूम सकते हो। तो अगर आप लोग भी गैंगटोक आ रहे हो और नथुला पास घूमने जाना चाहते हो शेयरिंग टैक्सी में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नथुला पास बाबा मंदिर और चांगू लेक घूमने के लिए। तीनों जो है मैं एक ही शेयरिंग टैक्सी में जाने वाला हूँ, और तीनों जगह एक ही टैक्सी में घुमाने वाला है। और ये शेयरिंग टैक्सी आपको कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढना है, सब कुछ जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप गैंगटोक से किसी भी शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं ना, तो आपको ये तीनों चीज़ घुमाते हैं भाई, जैसे नथुला पास हो गया, बाबा मंदिर हो गया और चांगू लेक हो गया। आज मैं जो जा रहा हूं वो है सिक्किम वैली टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से, और इनका जो भाई शेयरिंग टैक्सी का प्राइस है ना वो है 700 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 700 रुपये में आप नथुला पास बाबा मंदिर और चांगू लेक घूम सकते हैं, जो कि गैंगटोक से पिकअप होगा और फिर गैंगटोक में ड्रॉप होगा सेम डे। इसके लिए जो है मैंने जो नंबर दिया, इस नंबर पे आपको कॉल करके बुक करना है नथुला पास जाने के लिए, जो कि है सिक्किम वैली टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से मैं आज जा रहा हूँ। इसका जो प्राइस पड़ा मेरे को पड़ा 700 रुपीज़ भाई, तो तीनों जगह घुमाएगा 700 रुपये में। मैं भाई बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में देखा, लेकिन ऐसा कोई शेयरिंग टैक्सी वाला डिटेलिंग वीडियो नहीं था, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूं। इसके लिए आपको कहां बुक करना है, बुक करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, और कहां से आपका पिकअप होने वाला है वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आप भी गैंगटोक नथुला पास ये सब जगह घूमना चाहते हैं। वही नथुला पास जाने के लिए जहाँ का एड्रेस दिया था ना, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ अभी, ये देख सकते हो ये है, और एड्रेस में देखो यहाँ छांगू लेक HDFC बैंक ATM ये एड्रेस में लिखा हुआ था, और सामने स्टैंड है, यहाँ से सारा गाड़ियाँ चलेगा। अभी फिलहाल मेरे पास तो गाड़ी का नंबर वगैरह फ़ोन नंबर सब कुछ मेरे पास आ चुका है, तो ड्राइवर सब आते हैं फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं भाई नथुला पास। नथुला पास जो है भाई 14,144 फुट हाइट पे जाने वाले हैं हम भाई। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप लोग नथुला पास जाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट पास बनाना पड़ता है। अगर आप लोग अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाते हो तो वो पास आप लोगों को खुद से बनाना पड़ता है। अगर आप लोग शेयरिंग टैक्सी में जाते हो ना, तो आपको जो है एक दिन पहले बुकिंग करना पड़ता है। तो मैंने जो नंबर दिया उस नंबर पर आप कॉल करके एक दिन पहले बुकिंग कर लोगे, तो बुकिंग करने के बाद जो है आपको ना आपका जो पास है वो बनाना नहीं पड़ेगा, आपको अपना आईडी प्रूफ दे देना है, उन लोग खुद से आपका पास बना के दे देगा। इसी 700 रुपये में सब कुछ इंक्लूड रहता है। और भाई मुझे जो टाइम दिया गया था, मुझे टाइम दिया था सुबह के 7:30 बजे, तो अभी बज रहा है 7 और 7:30 बजे गाड़ी आएगा, गाड़ी लगेगा और गाड़ी में बैठते हैं, कितना आदमी का सीट है वो सब कुछ दिखाता हूँ। और भाई पूरा दिन हम लोग आज उधर रहने वाले हैं। हम जो जा रहे हैं भाई नथुला पास, नथुला पास जो है भाई बिल्कुल चाइना बॉर्डर है, वो इंडिया का 0 पॉइंट है, और वहाँ से आगे इंडिया का जगह नहीं है, आगे है चाइना बॉर्डर। तो भाई बहुत ही सिक्योरिटी जगह है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे सरकारी पास वगैरह लगते हैं जाने के लिए। तो अगर आप लोग भी जा रहे हो तो पास तो भाई बनाना पड़ेगा, बिना पास के आप वहाँ पे नहीं जा सकते। बाकी जो है हम जाएंगे छांगू लेक, वो भी यहाँ का बहुत फेमस लेक है, और तीसरी जगह जाएंगे हम बाबा मंदिर, बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर। आप लोगों को बाबा हरभजन सिंह का भाई हिस्ट्री पता होगा कि भारत का एक ऐसा सैनिक है जो मर जाने के बाद भी अभी भी भारतीय सेना में अपना सर्विस देता है। तो उनके जो उनका जो बंकर है, उनका जो मतलब रहने का घर था, वहाँ पे सारा कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वहाँ चलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी काफ़ी
मजा आएगा देखने के लिए। तो जुड़ी है वीडियो में एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग भी गैंगटॉक आ रहे हैं ना भाई, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी में आप आराम से घूम सकते हो, वो भी काफ़ी चीप रेट में। रेट जो भाई ऊपर नीच होते रहता है, इसके लिए आपको कॉल करके एक बार पूछ लेना। तो भाई हमारा जो गाड़ी था ना, वो गाड़ी तो आ चुका है भाई। ये गाड़ी था हमारा, इस गाड़ी में हम जाने वाले हैं आज। जो गाड़ी का नंबर देखो कितना मस्त है, 1234। इस गाड़ी में जाने वाला है, इस गाड़ी में जो है यहाँ से जो हमारी गाड़ी निकलेगा ना, वो निकलेगा यहाँ से 8 बजे। तो गाड़ी का जो फ्रंट सीट में मिल चुका है, और आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको आना पड़ेगा इस गाड़ी पकड़ के, जैसे कि मैंने बताया, छांगू लेक स्टैंड पे। तो यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ रास्ते का मस्त मस्त नज़ारा। छांगू लेक स्टैंड से जो है हमारी कैब निकल चुका है, बिल्कुल कैब भर चुका है भाई। 13 लोगों का सीट है इसमें, और अभी निकल चुके हैं हम सफर के लिए आगे की ओर। तो आपको जो रास्ते का मस्त मस्त नज़ारा आएगा ना, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सारा गाड़ी रुका है भाई परमिट के लिए। परमिट जो अप्लाई करते ना, यहाँ पे मिलता है। तो भाई गाड़ी जो है हमारा अभी एक जगह पे रुका है। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो कि कांचनजंगा व्यू पॉइंट। भाई कांचनजंगा मैंने बढ़िया से देखा था दार्जिलिंग में, और यहाँ से भी एक व्यू पॉइंट है। और क्या ही यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए भाई कितना डीप है एकदम, क्या ही लाजवाब व्यू आ रहा है, देख रहे हो भाई। सामने यहाँ से कांचनजंगा दिखता है, लेकिन मौसम उतना क्लियर नहीं है जो दिखेगा यहाँ से। ये देखिए भाई, भाई थोड़ा सा ही ऊपर आए थे ना भाई, ठंडी ना बढ़ चुका है, तो मैंने यहाँ पे टोपी लिया इस दीदी के पास। यहाँ पार्क में मिल रहा था, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे टोपी लिया, ये वाला लिया भाई। कैसा लग रहा है बताना, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। ग्लव्स नहीं लिया, ग्लव्स मेरे घर पे यार 2-3 जोड़ी है, लेकिन मैं लाया नहीं भाई। तो चलते हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ी देर का ब्रेक था, वो हो गया, अभी आगे का सफ़र जारी करते हैं। ये पहला वाटरफॉल देखने को मिला। तो भाई अभी हम रुके हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए। अभी काफ़ी हाइट पे आ चुका है, और ठंड जो है ना भाई बहुत ज़्यादा है, और रास्ते में कई जगह जो है ना ऑक्सीजन का बोतल बेच रहा था, क्योंकि ऊपर जो है ना भाई 14,000 फुट ऊपर जाएंगे हम, तो ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर आप लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत है ना, तो ये सब चीज़ ले कर चलिएगा। अभी देखो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, काफ़ी मस्त ठंडा हो रहा है एकदम, और ऊपर देख लो पूरा बादल आ रखा है। और यहाँ पे देखो 2 याक भी रखा हुआ है, रोड ऐसा है, नीचे से गाड़ी आ रहा है और ऊपर होके, और यहाँ पे हमने रुके हैं भाई थोड़ी देर के लिए। और देख रहे हो यहाँ सूखी सूखी पहाड़ दिख रहा है, पेड़ पौधे जो है ना हरी भरी देखना अभी बंद हो गया। अब जितना ऊपर जाएंगे हरी भरी हमको कम मिलेगा, बाकी ऊपर चलते हैं और आप लोगों को घुमाते हैं भाई। तो भाई जहाँ पे ब्रेक के लिए रोके थे ना, यहाँ पे जो है खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो जितना ऊपर जाएंगे रेट जो उतना बढ़ते रहता है, तो खाना यहीं पे खा लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया रोटी, आलू का भाजी है ये, और यहाँ पे 3 रोटी दिया है भाई, मोटा मोटा रोटी है, और ये मिला 120 का, तो इसको खा लेते हैं। ठंड जो है ना यहीं पे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा है भाई। टोपी ले लिया मैंने, ग्लव्स मैंने लाया नहीं, लेकिन तब भी हाथ का काम तो चल जाएगा। इसको खा लेते हैं पहले फटाफट। तो भाई खाना पीना तो हो गया, अभी दोबारा आ चुके हैं गाड़ी में, और आगे की सफ़र तय करते हैं भाई। मैंने जैसे कि बताया हम लोग जाएंगे बाबा मंदिर, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो गाड़ी में जो है ना, यहाँ पे देखो बाबा हरभजन सिंह का फोटो लग रहा है भाई, इनके मंदिर में जाएंगे। तो अभी जाते जाते हमको देखने को मिला है यहाँ छांगू लेक, और भाई हमारा जो 3 पॉइंट का विजिटिंग है ना, तो हम सबसे पहले जाएंगे नथुला, आते समय छांगू लेक दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये सबसे नीचे है, तो अभी सबसे पहले जाएंगे हम नथुला, उसके बाद बाबा मंदिर, ये दोनों चीज़ देखने के बाद हम आएंगे
लास्ट में जाते समय यहाँ पे चांगू लेक, और ये भी दिखाएंगे भाई। इस लेक का एक खासियत है कि जब भाई मतलब जनवरी फरवरी में ना ये पूरा लेक जो है भाई 4 दिन होता था, पूरा लेक एकदम बिल्कुल जम जाते हैं, तो उस टाइम कुछ अलग देखने का नज़ारा है। और अभी कुछ अभी तो भाई पानी है वो दिखाएंगे आते समय। अभी सीधा चलते हैं हम वहाँ पे नथुला। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं नथुला में, और भाई आने के यहाँ पे इतना ठंड हो रहा है ना, और भाई मैं दिखाता हूँ कि हम कितने हाइट पे आए हैं। भाई यहाँ से 14,000 प्लस हाइट पे हम आ चुके हैं नथुला में, और यहाँ से देखो यहाँ से जो है ऊपर जाना पड़ेगा अभी पैदल पैदल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितने हाइट पे आए हैं सामने। यहाँ पे जो लिखा है ना हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे जो है हमेशा भीड़ मिलेगा लोगों को फ़ोटो खिंचवाने में। ये देखिए भाई, वेलकम टू यू नथुला, एटलीस्ट 14,140 फीट, जो कि मेरे लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा विजिट है, कि मैं आज से पहले इतने हाइट पे कभी किसी जगह नहीं गया था। मेरा लाइफ का फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है ये हाईएस्ट 14,140 फीट। भाई ये देखिए, तो भाई कितने हाईएस्ट पॉइंट है वो तो वहाँ पे लिखा है, वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी जो है हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर, भाई इधर से ऊपर जाना पड़ता है। तो देखो इधर से पैदल पैदल जाके हम ऊपर जाएंगे जो कि बॉर्डर में, और यहाँ से जो है उधर चाइना दिखता है, तो ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, और उस पर हम लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं भाई। ठंड इतना ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं ग्लव्स लाना भूल गया था भाई, और इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है यहाँ भाई, समझ ही रहे हो 14,140 फुट हाइट पे है हम लोग अभी। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। और देखो यहाँ पे भाई, यहाँ के जो पहाड़ है ना इस पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं, तो सांस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो भाई ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, ये है चाइना का, ये भाई चाइना का है। ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो ना, ये हमारे इंडिया में, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये चाइना का बिल्डिंग है। तो भाई ये हम इंडिया में है, ये बिल्डिंग चाइना में है, और सामने जो ये देख रहे हो ना उधर वाला बिल्डिंग, ये भी चाइना। आगे जो ना ऊपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये भाई सामने का जो बिल्डिंग है ना वो चाइना का बिल्डिंग है। और इधर से देख रहे हो ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ ये इंडिया में है, उस पार चाइना है भाई। ये देख रहे हो ये पहाड़ के उस पार चाइना है। ये बिल्डिंग देख लो भाई, बिल्डिंग के पास मतलब जैसे ये दीवार है ऐसे ही हम लोग दिखाए दिए, आप देख सकते हो। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया भाई, यहाँ पे जो फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप देख रहे हो ये जो मैंने दिखाया ना भाई, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, इस पार है चाइना और हमें इंडिया में, और ये बिल्डिंग भी भाई चाइना का है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो ना भाई नथुला में, तो बस आपका एक कदम दूर चाइना से, आप एक कदम पहले इधर इंडिया में रहोगे उस पार चाइना, तो आप भी ये घूम सकते हैं भाई। जैसे मैंने घूमा वैसे आप भी घूम सकते हैं, सस्ते से सस्ते में 3 विजिटिंग प्लेस ओनली 700 रुपीज़ में भाई। तो ये नथुला पास तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई इंडिया चाइना बॉर्डर एकदम बिल्कुल नज़दीक से भाई, वैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस पार चाइना है, इतनी नज़दीक से मैंने देख के आया, और आप लोग को छोटा सा क्लिप दिखाया भाई। अलाउड नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं भाई, तो ये चीज़ है इंडिया चाइना बॉर्डर। बाकी भाई मैं आराम से देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद चलेंगे बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। तो भाई नथुला पास से जो हम अभी निकलने वाले हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, और हमारे नसीब इतना बढ़िया है भाई, यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो चुका है ना, और हल्का हल्का जो स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का भाई स्नोफॉल हो रहा है, अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगा ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखिए अभी मौसम यहाँ पे धूप धूप था, और मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया भाई। देखिए सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, अभी मौसम इतना ख़राब हो गया और हल्का हल्का स्नोफॉल होने लग गया भाई। जाते समय पूरा दिख रहा था, अब बिल्कुल बादल के अंदर जा रहा है भाई, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं दिख रहा है अभी। ये देखिए सारा एकदम धुन में ढक गया। तो भाई देखो गाड़ी रुके हैं, और सामने यहाँ थोड़ा सा वाटरफॉल है, और यहाँ पे ना बर्फ़ जम गया है, तो चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए भाई पूरा बर्फ़ जमा हुआ है भाई ले रहा है बर्फ़, वो सामने सीख टाइप का हो रखा था। ये देखिए भाई ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ था।
बढ़िया चीज है एकदम। लॉलीपॉप 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 गलत है तो देखो एक बार बढ़िया चीज दिला वहाँ पे है ये सब चीज। इतने हाइट पे चल रहा है यहाँ पे, मतलब इतने सारा लेक है ना, इस लेक का नाम है हंगू लेक ना, हंगू लेक भाई। देखिए इसमें बोटिंग भी होते हैं, मतलब इतने हाइट पे भी यहाँ पे हमको दो तीन लेक मिल देखने को मिल गया। ये देखिए और मिलेगा आगे, एलिफेंट है अगर ऊपर जाओगे। तो भाई अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह का जो भाई मंदिर में, और यहाँ पे गुफा है जो कि उनका रियल जो स्थान है ना भाई, पुराने वाले मंदिर। आपको जो भाई नए वाले मंदिर वो जो आगे ही बना दिया, आगे ही मिलेगा, लेकिन अगर आप आ रहे हो ना तो पुराने वाले मंदिर पे आना जिसमें गुफा के अंदर जाना पड़ता है। तो वो वाले मंदिर पे आ चुके हैं हम, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और आगे से अभी जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो आज भैया बताएगा कहाँ कहाँ जाना है, कि भैया यहाँ का पुराने आदमी हैं, आते रहते हैं। आप ये सेकेंड टाइम होगा? काउंट में नहीं, काउंट में नहीं है भैया, इतने बार आए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? यही लोकल। अच्छा भाई लोकल है, गैंगटॉक कहीं है। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ भाई ये देखिए यहाँ से कितना कितना दूर जो पॉइंट है ना वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहाड़ों में आओगे ना जब ये उड़ता है तो मतलब अलग ही लगता है एकदम बिल्कुल। और मैं बता दूं भाई बाबा हरभजन सिंह का जो ये मंदिर है ना, तो काफी सारा भाई लोग आया। कैसा लग रहा है आप लोगों को घूम के यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। कहाँ से आए आप? बिहार। बिहार से आए, देखो सारा ग्रुप बिहार से है। बिहार से है, चलेगा बर्फ लेके खेल रहे भाई साहब बिहार से है। बाबा हरभजन सिंह भाई भारत का एक ऐसा सेना था जो कि भाई मर जाने के बाद, उनके देहांत के बाद भी आज भी लोग कहते हैं, आज भी उन्होंने भारतीय सेना में सर्विस देता है। उनका जो सामान वगैरह है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, उनका जो सैलरी है वो भी दिया जाता है, और उनका सामान जब छुट्टी होता है तो घर भी पहुँचाया जाता है भाई। जब ना यहाँ पे उनका ध्यान के बाद जब कोई खुफिया एजेंसी मतलब खुफिया कोई खबर हो ना, तो बाबा हरभजन सिंह जो है लोगों की सपनों में आके यहाँ पे फौजी लोगों को दे देता है। तो अभी भी आज तक उन्होंने जो है अपना सर्विस कर रहा है भाई, ध्यान होने के बाद भी। तो उनकी याद में यहाँ पे मंदिर बनाया है, उनके जो बंकर है वो सब कुछ यहाँ पे है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उनके बंकर और उनके मंदिर। और यहाँ जाने के लिए जो है ना भाई शूज जो है खोल के जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पहुँचते शूज वगैरह खोलते भाई अभी मंदिर में जाएंगे। और भाई नसीब इतना अच्छा है कि बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर में आते हैं यहाँ पे हल्का हल्का जो है स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुका है, हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है और मौसम कितना भाई मस्त हो गया। अभी चलते हैं ऊपर। तो भाई बाबा हरभजन सिंह का जो है बंकर जो है यहीं पे है, ये है, ये गुफा के जैसे बना हुआ है, गुफा है और इसके अंदर चलते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई। ये देखिए ये बाबा हरभजन सिंह का जो है भाई यहाँ पे मतलब स्टडी जो टेबल है यहाँ पे उनका फोटो लग रहा है और यहाँ पे बैठ के स्टडी वगैरह करते हैं, उनका किताब वगैरह यहाँ पे देखो हरभजन सिंह वहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रेस जो उनका है यहाँ पे सारा ड्रेस है और ये बंकर है। और ये इनका रियल जो बंकर है यहीं पे रहता था, उनका देखो सारा यहाँ पे जो ड्रेस है वहाँ पे सजाया हुआ है, सारा ड्रेस सजा हुआ है यहाँ पे और ये बंकर है। और देखो यहाँ सब कुछ सजा, उनका जो शूज वगैरह है सब कुछ यहाँ पे है, कंबल वगैरह है, ये पिलो और ये फोटो, मतलब उनका जो भाई यूज़ का जितना भी चीज़ था ना वो सारा चीज़ यहाँ पे रखा है। उनका जो सर का पग है वो भी है यहाँ पे, और ये देखिए बाबा हरभजन सिंह का यहाँ फोटो है। तो ऐसा कुछ था यहाँ, देखो सारा चीज़ यहाँ पे रखा गया है और सारा चीज़ है भाई। और जब जो छुट्टी मिलता है उनको ना तो यहाँ इनका जो सामान है ये सारा कहता है कि उनके घर पहुँचाए जाते हैं और उनको भाई अभी भी सैलरी तक मिलते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पे उनका जो है स्टैचू लगा हुआ है और ये उनका मंदिर बना दिया यहाँ पे। ये देखिए ये है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। और भाई आज भी जब भी बाबा हरभजन सिंह को भाई छुट्टी मिलता है ना तो उनके नाम पे ट्रेन का टिकट काटा जाता है और उनकी सीट में जो चादर वगैरह बिछाया जाता है, लोग कहते हैं जब चादर वगैरह बिछाया जाता है ना उसके बाद में जब सुबह देखते हैं कि चादर वगैरह जो है भाई बिखरा हुआ रहता है, तो लोगों का मानना है कि आज भी जो बाबा हरभजन सिंह है वो छुट्टी में घर जाते हैं, ट्रेन का टिकट भी बुक होता है उनके लिए। तो भाई ऐसा जो है भारतीय एक सेना में था कि जिनके भाई ध्यान के बाद भी आज भी भारतीय सेना में सर्विस देता है। तो अगर आप लोग नाथुला आ रहे हो ना तो यहाँ पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, यहाँ पे जरूर आइएगा,
मैं जैसे आया मैं आप लोगों को बताया कि आप इतने सस्ते में यहाँ पे आके तीन जगह पे विजिट कर सकते हो। तो इस जो भाई बंकर जो है ना गुफा वाला बंकर, तो इसमें जरूर आना, ये जो रियल बंकर है वो है वोल्ड, जो है वोल्ड बाबा मंदिर, मतलब ये रियल है जो सामने है वो बनाया गया है, ये रियल है जो मतलब रियल जहाँ पे उन्होंने ठहरा था रहता था वो ये है वोल्ड बाबा मंदिर। जब हम यहाँ पहुँचे थे भाई तो कुछ नहीं दिख रहा था, अभी देखो सारा मतलब वैली दिख रहा था यहाँ से, और ये देखो ऐसा कुछ है बाहर से, ऐसे देखो यहाँ पे विंडो बना हुआ है भाई। ये सब चीज़ देख के ना मतलब यहाँ आओगे ना तो शरीर के जो रोंगटे है ना वो खड़ा हो जाएगा इनका हिस्ट्री सुन के, मतलब अलग की एक अंदर से मतलब जुनून आता है सुनने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है भाई कि एक देश लवर देश प्रेमिक। और यहाँ पे प्रसाद के तौर में भाई बाहर जो है ना मंदिर के बाहर किशमिश प्रसाद में दिया जा रहा है जो कि भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो है हम बाबा हरभजन सिंह का जो है मंदिर दर्शन करके तो भाई निकल चुके हैं, अभी जाएंगे यहाँ पे एक वाटरफॉल है और वहाँ पे वाटरफॉल में चलते हैं, मस्त वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई अभी रास्ते में जाते जाते हम एक जगह रुका है, यहाँ एक ना लेक है जिस लेक का नाम है भाई एलिफेंट लेक। भाई इसका जो शेप है ना मतलब लेटा हुआ हाथी के शेप में बना हुआ है ये लेक, और सामने है ये भाई देखो मतलब आपको कैमरे में बढ़िया से समझने को, सामने जो है ना एकदम सूंड के जैसे बना हुआ है और बीच में पैर इधर पूछ मतलब बिल्कुल एकदम उधर से सीधा है, इधर से बस उल्टा दिख रहा है, तो ये एकदम लेटा हुआ एकदम एलिफेंट दिखता है, तो इसका नाम ही है एलिफेंट लेक। तो भाई अभी फिलहाल हम है नए वाले बाबा मंदिर के पास और यहाँ पे एक भाई शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे एक वाटरफॉल है काफ़ी मस्त, और यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा खासा एकदम स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुका है, क्या मस्त लग रहा है यार स्नोफॉल हो रहा है। देखो भैया की जो ब्लैक है ना ब्लैक इसमें दिखेगा, देखो ये जो गिर रहा है इसमें दिखेगा, ये इसमें दिख रहा है, बाकी जो है सही स्नोफॉल होने लग गए यहाँ पे, तो यार अच्छा लग रहा है काफ़ी मस्त। तो भाई फाइनली आ चुके हैं वाटरफॉल के पास और ये देखिए भाई क्या शानदार वाटरफॉल बह रहा है, ये देखो ऊपर से क्या तेज पानी आ रहा है, ये देखिए ऊपर से आ रहा है मस्त, और पानी आ रहा है और हल्का हल्का स्नो हो रहा है, ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे वाटरफॉल में भाई क्या मस्त नज़ारा है भाई। सिक्किम में मैं पहली बार आया और पहली बार ही मेरे को भाई ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई। तो भाई आ चुका है आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन में भाई छांगू लेक। भाई जाते समय जो है ना ये सबसे पहले पड़ता है, लेकिन पहले ऊपर जाके उधर से घूम के आने के बाद लास्ट में यहाँ पे दिखाता है छांगू लेक, और आज की हमारे लास्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे घूमते हैं। और छांगू लेक का जो भाई बात है ना ये लेक अभी पानी है, लेकिन एक महीने बाद जब आप आओगे ना तो इस लेक जो है ना बिल्कुल एकदम भाई जय फॉर्जन हो जाता है, बिल्कुल एकदम बर्फ़ में बदल जाते हैं, पूरा लेक जम जाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी देखिए ये है लेक, ये देखिए भाई ये पूरा लेक व्यू है, रोड की जस्ट साइड में है, ये पूरा लेक का व्यू आ रहा है यहाँ से, ये है छांगू लेक, ये देखो भाई छांगू लेक ऐसा दिख रहा है पूरा पूरा लेक ना भाई, ये जनवरी और दिसंबर जनवरी के बाद जो है ना जनवरी में ये एकदम बिल्कुल एकदम जम जाता है पूरा लेक। तो ये है लेक भाई जो कि छांगू लेक के नाम से फेमस है, छांगू लेक इसका नाम है, और यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आता है, और यहाँ पे आपको जो है ना इस लेक में घूमने के साथ साथ यहाँ पे आप जो है एक्टिविटी भी कर सकते हो, वो क्या एक्टिविटी कर सकते हो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है भाई छांगू लेक में लेक के साथ साथ आप यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, एक्टिविटी में क्या है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये है यहाँ पे देखो याक में भाई यहाँ पे राइड कर सकते हो, ये देखिए ये याक में राइड करा सकते हैं, ये देखिए कितने रुपए प्राइस है भैया याक में, याक में 100 रुपये, 100 रुपये। तो भाई सुबह निकले थे हम जो है 8 बजे, और 8 बजे निकलने के बाद सबसे पहले गए हम भाई लाचुंग में, वहाँ पे चाइना बॉर्डर देखे लाचुंग में, उसके बाद चले गए बाबा जी का मंदिर, और अभी हम आए गए यहाँ पे, साथ में वहाँ पे वाटरफॉल के लिए भी रुक दिया था, मतलब गाड़ी वाला कहीं पे भी बोलोगे तो रोक देते हैं, और अभी हम आ गए
छांगून लेक में भाई ये तीन जगह हमने घूम लिए भाई, वो भी एक ही सेम डे में और सेम एक ही प्राइस में भाई। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो ना सिक्किम गैंगटॉक घूमने के लिए, तो भाई मैं जो नंबर दिया हूँ इसमें आप ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट करिए भाई। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने लिया 700 रुपीज़ में ये पैकेज भाई पूरे दिन का, जो कि हमें तीन जगह घुमाएगा। और तीन जगह तो भाई बोलते हैं और साइड में आप बोलोगे तो भाई रोक देते हैं फ़ोटो फाटो के लिए। और इसका जैसे मैंने प्राइस पे किया 700 रुपीज़, और गाड़ी में ऐसे भी लोग था किन्होंने दिया है 1000 रुपया, और एक बंदे से पूछा उन्होंने दिया था 1500 रुपीज़, मुझे 1000, 1500 और 700। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में ले सकते हो और कितने में आपको देगा वो। तो अभी यहाँ पे हमने घूम लिए छांगून लेक में, और बाकी जो अभी सीधा हमारा गाड़ी जो रहेगा भाई होटल में, वहाँ पे खाना पीना खाएंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे एकदम गैंगटॉक में। और यहाँ देख रहे हो भाई स्नोफॉल हो रहा है, ये देखिए अच्छा खासा स्नोफॉल यहाँ पे भी होना स्टार्ट हो गया भाई। ये देखिए भाई स्नोफॉल हो रहा है मस्त, यहाँ पे भी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया भाई, स्नोफॉल हो रहा है। और भाई छांगू में यहाँ पे आपको एक मंदिर भी मिल जाएगा जो कि है छांगू शिव मंदिर, वो मेरे सामने है। ये देखिए यहाँ पे छांगू शिव मंदिर भी है यहाँ पे, और ये मंदिर के बाहर हैं हम। और मौसम कितना मस्त हो गया, और हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है बिल्कुल एकदम भाई, मस्त एकदम मस्त मज़ा आ रहा है यार एकदम। तो भाई हमारा जो आज जो तीन डेस्टिनेशन घूमने का था ना, वो तीनों तो हमने घूम लिए, लास्ट में था छांगू लेक। तो छांगू लेक घूमने के बाद अभी हम दोबारा गैंगटॉक की ओर जाने लगे हैं। जाते समय रास्ते में जहाँ पे आते समय रुके थे ना, वहीं पे रुकेंगे खाने पीने के लिए, तो वहीं पे मिलते हैं। तकिया किया ये एक बार के बाद दोबारा लड़ा नहीं, ये होटल है भाई, इसमें जाते समय नाश्ता पानी किए थे, अभी इसी में आए हैं। ये वाला होटल था, जाते समय मैं इसी में रोटी पानी खा के गया था, और आते समय भी इसी होटल में आए हैं खाना पीना। कुछ लोगों ने तो वाटर दे रखा है, लेकिन मैंने तो वाटर नहीं दिया था, बाकी देखते हैं क्या मिलते हैं फिर वही खाएंगे। तो भाई खाना पीना तो बिल्कुल मस्त हो गया एकदम। होटल में मैंने खाना खाया, मैंने लिया था भेज थाली जो कि था 200 रुपये का, साथ में लिया था कि ऑमलेट जो कि था 30 रुपये का। तो मेरा खाने का जो टोटल बिल हुआ 230। खाना पीना काफ़ी मस्त था एकदम, नेचुरल था एकदम, साग था, उसके बाद सब्जी था, उसके बाद पापड़ था, सलाद था, और साथ में जो भाई इतनी ठंड में ना गर्म पानी दिया था, सबसे बड़ी बात है ये। तो खाना पीना ऐसा था, बाकी यार मौसम बिल्कुल एकदम क्लाउडी हो गया, और हल्का हल्का जो स्नो गिर रहा है यहाँ पे भी। बाकी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं गैंगटॉक में, जाके आपसे मिलते हैं भाई। फाइनली मैं घूम के भाई आ चुका हूँ अपनी होटल में भाई। आते आते जो है हमें बज गया एकदम शाम के 5 भाई, 8 बजे निकले थे और शाम के 5 बज गए भाई। नाथुला पास घूमे, बाबा का जो ओल्ड मंदिर है वो घूमे, उसके बाद हमने लेक घूमे। तो भाई ये तीनों चीज़ सिर्फ मैंने किया 700 रुपये में। अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो भाई नंबर वगैरह दे रखा हूँ, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो भाई। अगर यूट्यूब में ढूंढोगे ना तो इतना डिटेलिंग वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिराद मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।